गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू वैकेंसी हैज कम फ्रॉम सीएसआईआर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। आप देख सकते हो दोस्तों, अभी रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो कि लास्ट डेट कितना है, 25 फरवरी है। ठीक है, यहाँ पे और 25th को है हार्ड कॉपी रिसीव करने का है। तो गाइज, जो भी आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स का यदि आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये फॉर्म आप जरूर भरो। कल हम लोग इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ये करेंगे कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। यदि किसी भी तरीका का हम लोग को दिक्कत होगा, ठीक है, तो हम लोग कल आपको हम गाइड करेंगे कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, एक वीडियो बनाएंगे कल मॉर्निंग में। अभी रात के लगभग पौने 2 बज रहे हैं आप लोग, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है, एक एक मतलब लेवल के लिए, दूसरे के लिए फिर 1 है, और उसके बाद से 1। ये टोटल यदि काउंट करें तो टोटल 9 पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी है। आप लोग का एज भी आप देख सकते हो, सैलरी भी सेम है, तो किसी भी तरीका का आपको ये नहीं होना चाहिए हिचक करने। आप जाओ, आज से ही कोशिश करो भरने का। ठीक है, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बाद यदि आप देखो जूनियर स्टेनोग्राफर, तो 4 सीट निकली हुई है, 3 ऑन रिजर्व है और 1 ओबीसी के लिए है। ठीक है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी असिस्टेंट यदि आप देख रहे हो कि इस कैटेगरी में भी आप यदि आ रहे हो सिक्योरिटी, तो आप भर सकते हो दोस्तों, कारण कि परमानेंट जॉब है। इसके लिए ज्यादा आप मत सोचो। ठीक है, अब देखो कि इसका सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, देखो कितना सैलरी है, वो 1,10,000, वो बाबा, तो देखो कितना ज्यादा सैलरी है तो इसका। लेकिन हाँ, क्वालिफिकेशन आपका मैच करना चाहिए। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी एक वैकेंसी आई हुई है, 2 वैकेंसी है बेसिकली, एक ऑन रिजर्व है, दूसरा ओबीसी कैटेगरी का है। ठीक है, इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, आप सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो सिलेबस है 10+2 है। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कैसे कैसे आपका स्किल टेस्ट वगैरह बाद में होता है, तो ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आप सिलेबस किसको देखो, पढ़ो सिलेबस को। ठीक है, और इसी के अनुसार आप तैयारी करो, किसी भी तरीका का कन्फ्यूजन हो तो बोलना जरूर आप लोग। ठीक है, और एसटीओ के लिए भी आप देख सकते हो कि बी बीटेक बायोटेक में होना चाहिए। ठीक है, और इसका काफी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ। मैं एक यूट्यूबर्स जैसे एक गाइज को, जो फ्रेंड्स हम लोग का विवेक पी करके जो शेयर किए थे नीचे में कमेंट्स किए थे, वो कि सर यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो तभी मैं जाना बेसिकली। ठीक है, तो थैंक यू विवेक पी, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे साथ। ठीक है, अच्छा लगा कि आप लोग मतलब हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन अच्छा अच्छा आप लोग शेयर करते हो, ताकि हम लोग वीडियो अच्छे बना सकें, आप लोग का अच्छे इन्फॉर्मेशन आप लोग पहुंचा सके। गाइस, ये सिलेबस है। ठीक है, और कभी कभी देखते हैं टाइम मेरे पास होगा तो कभी कभी हम लोग आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इजी वे में, ताकि कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। ठीक है, तो गाइज आज जाकर कभी भी देख रहे, 21 जनवरी है, तो आप अभी 10 फरवरी तक इसका है, आप जल्दी से जल्दी इसको फॉर्म फिलअप कर दो। मैं जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट आ रही है सीएसआईआर से, जीसीआई सीएसआईआर का, तो मैं आपके लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और शेयर करने के साथ साथ आप मतलब इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन भी हम लोग कैसे करेंगे वो चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।